ग्वालियर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसमें जिले के सभी थानों में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई की गई है। सभी थाना प्रभारियों को अलग अलग इलाकों में बदमाशों को चिन्हित करने के लिए लगाया गया है, जो अवैध हथियार रखकर रंगदारी दिखाकर लोगों पर धौंस जमाते हैं। ऐसे 350 बदमाशों को पकड़ा गया है। इनके पास से 48 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। SSP राजेश सिंह चंदेला का कहना है कि पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रखेगी और अवैध हथियार रखकर रंगदारी दिखाने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है असामाजिक तत्वों के विरुद्ध। उसमें आज का फोकस ग्वालियर पुलिस का फिजिकली फायर आर्म्स पे था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बदमाश या ऐसे आदमी जो फायर आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या लोगों को धमका रहे हैं, दहशत का वातावरण कर रहे हैं या अपराधों में इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया था पिछले कुछ दिनों से। ऐसे 350 लोग करीबन आइडेंटिफाई किए गए पूरे जिले भर में, और उन सब की तस्दीक की गई जिनके पास जिस जो फायर आर्म्स मिले हैं उन पर फायर आर्म्स की कार्रवाई 25-27 आर्म सेट की कार्रवाइयाँ की गई हैं। इनमें हमको 48 ऐसे कट्टे सहित इस तरह के लोग मिले हैं जिन पर कार्रवाइयाँ हुई। इनमें से कुछ बच्चे, कुछ नई उम्र के लड़के भी हैं, कुछ नाबालिग भी हैं।